when I'm gone, baby. Can I give you phone, baby? सो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को इस वीडियो का एडिट करने के लिए यहाँ पे जो आप लोगों को VPN वगैरह जो भी है आपके पास उसको ओपन कर लेना है, मतलब कि ऑन कर लेना है। यहाँ पे मैं सुपर VPN का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग किसी भी VPN का यूज़ कर सकते हो जो कि गाइस कैप्का टाइप को सपोर्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर ऑन कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो है वहाँ पर आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस VPN हमने ऑन कर लिया है, अब हम जल्दी से क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे कैप्का टाइप में ये वाली एडिटिंग करने वाले हम लोग, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम कैप्का टाइप को ओपन कर लेते हैं। कैप्का ऐप को जब आप ओपन कर लोगे तो गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को अपनी एक फोटो को ऐड करना है जिसको आप एडिट करने वाले हो, उस फोटो को आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। तो ऐसे मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ एंड फोटो को ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को जो है लास्ट में एक वाटरमार्क दिखेगा, आपको सिंपली इसको डिलीट कर देना है एंड ऐसे डिलीट कर देने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे इसका फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फ्रेम जो है वैसे सिलेक्टेड है बट अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे फ्रेम सेलेक्ट करना है। आप लोगों को जो स्टार्टिंग में ही मतलब कि जब आप फोटो को अनसेलेक्ट करोगे तो आपको नीचे की साइड में फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे 9:16 कर लेना है एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर फोटो के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। स्टाइल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टिकल करके एक यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है एंड टैप करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है थोड़ा लंबा चलता है तो आप इतना हो जाएगा जब आपका ये प्रोसेसिंग वगैरह तो आपकी वीडियो जहाँ पे ये बन के तैयार हो जाएगी। बट इसमें अभी एडिटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है गाइस, क्योंकि क्या है कि अभी आप लोगों को वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपको वीडियो को डन करना है, फिर अगेन आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, फिर यहाँ से अभी जो वीडियो आपने सेव करी थी उस वीडियो को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ से जो वीडियो को पर यहाँ पर हम टैप करते हैं और उसको हम ऐड कर लेते हैं। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है सबसे पहले वाटरमार्क को डिलीट करना है एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आना है, ऑडियो के ऊपर टैप करना है और नेक्स्ट के बाद आपको फाइल में चले जाना है। आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस वीडियो को लेना है, उसका म्यूजिक आपको यहाँ पे ऐड करना है, फिर आपको वीडियो को ऐसे स्क्रॉल करना है थोड़ा आगे की तरफ एंड आप सभी को यहाँ पे स्टार्टिंग में जब सिद्धू मूसेवाला सर की जो आवाज़ आती है यानी कि आपको वहाँ तक आपको रखना है, फिर वहाँ से वीडियो को स्प्लिट करना है एंड उसी वीडियो को जो है आप लोगों को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। जब आप इतना कर दोगे तो गाइस आपकी जो स्टार्टिंग का वो बन जाएगा, बाकी यहाँ पे जो बीट के हिसाब से आपका जो ये रेडी हो जाएगा, बाकी आगे की वीडियो जब आप इतना मतलब कि आप ये प्ले हो जाएगा तो इतना रखने के बाद आपको एक बार वीडियो दोबारा से स्प्लिट करना है, जो लास्ट वाली वीडियो होगा उसका जो स्पीड है उसको यहाँ पे स्लो कर देना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीड पे चलते हैं, यहाँ पे नॉर्मल में जाएंगे एंड यहाँ से जो हम इसका स्पीड कम कर देंगे, ठीक है गाइस। स्पीड हम इसलिए कम करें क्योंकि गाइस ऑडियो जो है लंबी है और इसका स्पीड हमें कम ही रखना है क्योंकि ये काफ़ी फास्ट चलता है, जो पार्टिकल्स वगैरह जो इसके उड़ते हैं ना वो फास्ट उड़ते हैं काफ़ी, तो इसलिए हम जो है इसके पार्टिकल्स, तो यहाँ पे इतना हमारा हो चुका है। अब हम इसको एक बार प्ले करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो जो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड आप सभी को सारी ट्रेंडिंग वीडियोज़ की एडिटिंग मिलती है इस चैनल पर। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।